है गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाली, थोड़ा अलग होने वाली, क्योंकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसपे मेरे को एक कमेंट मिला है कि सर इस पर आप एक वीडियो बनाए, सुजलोन एनर्जी का पूरा एनालिसिस करें और हमको बताएं कि क्या हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है और एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए। तो कैसे वो सब कुछ हम इसमें डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में हमको इसमें कुछ ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो अब यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ सुजलोन एनर्जी के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, और देख सकते हो कि इनिशियल टाइम फ्रेम यानी कि 2000 जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है 2006 के बाद, देखो कंटिन्यूसली थोड़ा इसने हायर हाई यहाँ पर बनाया था। प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, और एक 2008 के बाद जो क्रैश आया था उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा क्रैश हमको इसमें देखने को मिला, और उसके बाद से प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, जहां पर हमको कोई भी ट्रेडिंग लेवल इसमें नज़र नहीं आया 2008 के बाद आप देख सकते हो। तो गाइस यार अब मैं इसका अगर रिसेंटली ट्रेडिंग लेवल्स की बात करूँ, यानी कि अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसका अगर डेली टाइम फ्रेम लगाऊँ तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कुछ बुलिश मोमेंटम रिसेंटली हमको देखने को मिला है, इसीलिए मेरे को ये रिक्वेस्ट मिली स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। सो मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए। सो ये देख सकते हो 400 का माल आपको कितने में मिल रहा है, 10 में मिल रहा है, तो कितना सस्ता ये हो गया है आपके लिए, तो बहुत सारे लोग खुश हो गए हैं, तो काफ़ी शानदार ये ट्रेड है, कितना सस्ते में मिल रहा है। लेकिन गाइस यार इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 400 का माल इतना 4 रुपये में 10 रुपये में आपको मिल रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू हो चुकी है, यानी कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, तभी इतना सस्ता वो मिल रहा है। और यहाँ पर आपको रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, रिसेंटली आप देखोगे तो हमको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है इसके अंदर कि वास्तव में कुछ अब होगा, धमाका होगा, लेकिन हमको ऐसा कुछ खास लगता नहीं है क्योंकि अभी तो कुछ खास ब्रेकआउट लेवल्स आए नहीं है। सो गाइस रिसेंट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पर ट्रेडिंग लेवल्स की बात करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पर बना रही है, जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको रिसेंट में देखने को मिल रहा है, एक बुलिश पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है, इसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि इसमें थोड़ा सा बुलिशनेस हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पर प्राइस कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं अब बात करूँ, इसको हटा देता हूँ पहले मैं, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक जोन क्रिएट करूँगा आपके लिए ताकि आपको इसमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो। सो यहाँ पर देख सकते हो नीचे में मैंने एक जोन को क्रिएट कर रहा हूँ, और देख सकते हो कि इस जोन के पास में जब भी प्राइस आई है हर बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर एक शानदार बुलिश मोमेंटम दिया है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ क्लियर कर लूँ, ताकि आप ऐसा नहीं हो कि बाद में सोचो कि कम्प्लीटली बुलिश हो चुका है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर रिसेंट में हमको कुछ महीनों से यहाँ पर थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिली है, और जहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर में एक चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रही है, जहाँ पर ऊपर में ये देख सकते हो इस लेवल के आसपास हमेशा ये रिजेक्शन फेस कर रही है, यानी कि ऊपर में देख सकते हो जब भी प्राइस ने इस ऊपर वाले जोन को हिट किया है और वहाँ पर हमको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर मैं इसको रेड एरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर मैं अभी रिसेंट प्राइस लेवल की बात करूँ, तो हमको इसमें फ्रेश बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए। सो वैसे पहली बात तो मेरी तरफ से तो कोई इसमें रिक्वेस्टेड नहीं है कि आप इसमें फ्रेश बाइंग करो, क्योंकि कम्प्लीटली पेनी स्टॉक है, बहुत सारा पेन देगा आपको डेफिनेटली। फिर भी आप चाहते हो कि कुछ इसमें आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दो, और फ्यूचर में क्या पता है इसमें कुछ बम्पर रैली हमको देखने को मिले, तो काफ़ी शानदार रिटर्न हमको देखने को मिले, तो ऐसा अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपका जो फ्रेश बाइंग होनी चाहिए वो हमेशा आपको सपोर्ट लेवल पर करनी चाहिए। सो यहाँ से देख सकते हो कि ऊपर में जब भी हिट किया है वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली, और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस में काफ़ी शानदार सेलिंग देखने को मिली, जहाँ पर अगर लास्ट कैंडल यानी कि आज की कैंडल को अगर आप देखोगे तो कितने मिलियंस यानी कि 280 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बिके हैं, यानी कि इतनी हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली, तो डेफिनेटली यहाँ से हमको थोड़ा रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस नीचे वाले सपोर्ट जोन के आसपास फ्रेश बाइंग करनी है, और यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए 11 से 12 रुपये के आसपास, यानी कि ऊपर वाले ये जो ऊपर में जोन दिखाया अगेन वहीं पर आपका टारगेट लेवल होगा। ये सिंपल मैं टारगेट लेवल आपको बता रहा हूँ, एक स्विंग ट्रेड के लिए आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर फ्रेश बाइंग आपको यहाँ पर करनी है
जो मैं आपको नीचे में ग्रीन एरो से दिखा रहा हूँ, जब भी 6 रुपये 6.5 से लगाकर 7.5 के बीच में जब भी प्राइस यहाँ पर ट्रेड करे, तो उस टाइम पे आप कुछ अगर वहाँ पर बुलिश मोमेंटम दिखे तभी आपको एंट्री लेना है। यानी कि ऐसी रैंडम एंट्री नहीं लेना है, जब कोई बुलिशनेस दिखे तभी आपको एंट्री लेना है उस टाइम पे। और स्टॉप लॉस सिंपल आपका इस जोन के नीचे होगा, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 6 रुपये, यानी कि 6.5 के नीचे, या 6.40 6.40 या फिर 6.30 के नीचे आपका सिंपल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट आपका होना चाहिए लगभग 11.5-12 रुपये। ये सिंपल आपको मैंने ट्रेड दिया है, काफ़ी सिंपल यहाँ पर इसका पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पर्सनली मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये ऑपरेटर गेमिंग वाला स्टॉक है, जहाँ पर देख सकते हो प्राइस कंटिन्यूसली एक सर्किट लगा रही, सर्किट वाले स्टॉक मुझे पसंद नहीं आते पर्सनली। सो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें ट्रेड करो, मैंने सिंपल मुझे कमेंट मिला इसलिए मैंने उसका एनालिसिस किया कि कम्प्लीटली एकदम बकवास स्टॉक है। लेकिन गाइस फिलहाल रिसेंट में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो वो इस लेवल पर आप खरीद सकते हो, फ्रेश बाइंग करोगे जहाँ पर टारगेट लेवल हमारा ये होगा। सो अगर मैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात कर लूँ आपको यहाँ पर, सो सिंपल हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होगा, तो ऑलमोस्ट 5-10% का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा। और टारगेट लेवल की मैं बात करूँ तो टारगेट लेवल आपका 50% है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका होगा 1:5 के अराउंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। सो आप देख सकते हो आपको क्या करना है, मेरी क्या जो राय है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।